I am a professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani Biology classes. Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. This is your professor Nilesh Anandwani. मैं आपका अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ. जैसे हमने काफ़ी पेपर्स के आंसर्स की अपलोड कर दी काफ़ी सब्जेक्ट्स की, तो अब हम आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं. आंसर की ऑफ साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम जो 23 जून को 2019 में हुई थी पिछले महीने में, उसके हम 100 out of 100 क्वेश्चंस के आंसर की अपलोड कर रहे हैं अभी. सो लेट स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको सेट, भारत की कोई भी स्टेट की सेट एग्ज़ाम, यूजीसी नेट या तो सीएसआर नेट में कोई भी एग्ज़ाम की, कोई भी सब्जेक्ट्स की अगर आपको आंसर की चाहिए, तो मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए कैम स्कैन करके. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ नीचे दिए गए हुए रेड कलर में सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए. अगर आप घंटी को दबाते हो तो जैसे मैं आंसर की अपलोड करता हूँ या तो मेरा कोई भी वीडियो आता है अपने चैनल से रिलेटेड, तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा. तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट, दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू. ओके, नाउ नॉट वेस्टिंग अवर टाइम, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपनी आंसर की तरफ. तो ये है सब्जेक्ट साइकोलॉजी और साइकोलॉजी पेपर सेकंड, इसके हम आंसर की देखते हैं. अभी मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और आंसर भी आपको बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर वन, मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो इसके हमने कोड मैच किए हुए हैं, आंसर इसका सी 3412. क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसका आंसर है बी, बोथ assertion एंड reasons आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेनिन स्कोर आर यूज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ, सो आंसर इज डी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वायबिलिटी टेस्ट ओनली. क्वेश्चन नंबर फोर, टू स्टडी यू कैन से यूनिडायमेंशनल ऑफ द टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अप्रोप्रिएट, सो आंसर इज ए, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी. क्वेश्चन नंबर फाइव, सजाइटल व्यू ऑफ द ब्रेन मीन्स ए, द ब्रेन बाइसेक्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर सिक्स, साइकोपैथी इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैन बी लोकलाइज इन, सो आंसर इज बी, फ्रंटल लोब. क्वेश्चन नंबर सेवन, ये फिर से मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, तो मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उनके नीचे फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है डी 1423. क्वेश्चन नंबर एट, फिर से मैच द कॉलम है, सो इसका आंसर है ए 1234, सभी के सभी एग्जैक्टली मैच होते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन, सिग्नल डिटेक्शन मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन स्टिमुला इज, सो आंसर इज डी, सेपरेट. क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द थ्री प्रोसेसिंग स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सो आंसर इज ए, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्स सिलेक्शन एंड रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूशन. क्वेश्चन नंबर 11, एन आइडिया इज क्रिएटिव फॉर पर्टिकुलर पर्सन इफ दैट पर्सन कुड नॉट हैड द आइडिया बिफोर, दिस अकाउंट ऑफ creativity falls in line with which of the following theories, so answer is A, Guilford deterministic theory of creativity. Question number
12. Which of the following brain areas are related to creativity? So answer is D. All 1, 2, 3 are related to creativity. Question number 13. Choose the correct sequence of communication process. Answer is A. 1, 2, 4, 3. Sabse pehle aayega sender, phir encoding, phir channel, phir receiver. Question number 14. ये match the column syndrome दिए हुए हैं और उनका description दिए गया है match column से कम में. So इसका answer है C 4213. Question number 15. Automatic thought is a term used in. So answer is B hypnotherapy. Question number 16. In India, which is the most common mean of cyber billing? Answer is A. Phone call. सबसे ज़्यादा phone call पे लोग सताते रहते हैं. Question number 17. Who investigated X-ray? So answer is A. Wilhelm Röntgen. Question number 18. Symptom of autistic child is B. Aggressive. Question number 19. In which method decision making an option that does not meet the criterion is eliminated from being possibility? Answer is B. Elimination by aspects. Question number 20 ka answer nahi pata hai mujhe, sorry. Question number 21. Which among the following subtests are not the part of ways forth? So answer is C. 3 and 4 only. Picture arrangement and object assembly. Visual puzzle and figure weight, ye dono ways form mein aate hain. Ye ek intelligence ki system hai, softwares based hai. Question number 22. Situational tests are basically a measure of dash behavior. Answer is D. Problem solving. Question number 23. Processing that begin with the information viewed by the receptor is A. Neural processing. Question number 24. Which of the following is not an example of a Hull's drive reduction theory of motivation? Answer is C. When human behavior is motivated only due to psychological factor. Question number 25. Dash fallacy occur when it is assumed that specific condition are more probable than a single general one. So answer is A. Conjunction. Dear friends, please, please, please subscribe to my channel and press the bell icon. Ye request hai meri. Please. Question number 26. Each Freud stages personality development center around the important task that requires resolution. Failure to this can lead to. Answer is B. Second and third only. Question number 27. Assertion reason wala question hai. Which of the following alternative is true for the statement of assertion and reasoning? Reasoning. Assertion. A keen selection theory suggests that the key goal of all organism is getting our genes into next generation. Reason. Biological altruism help in survival of species. So iska answer hai A. Assertion and reasons are both true and reason is correct. Reason of for assertion. Question number 28. The first pioneer experiment in the field of social psychology was conducted on B. Social facilitation. Question number 29. Noam Chomsky gave the concept of. Answer is D. Cognitive theory. Question number 30.
The following are negative symptoms of schizophrenia. Option A, thought broadcast. B, thought insertion. C, alogia. Third, alogia. And fourth, anhedonia. So iska answer jo hai wo hai B, 3 and 4 only. Question number 31. When a HIV patient does not report in a particular period, this period is known as a window period. Question number 32. Which of the following is a false if Welch and Corgan study on intelligence and creativity among the children? So answer hai iska C. High creativity, low intelligence children were unable to concentrate. Question number 33. Match list 1 with a list 2. So iska answer nahi mila hai mujhe. Question number 30. Haan, abhi dekho, question upar kya hai? Upar hai 33. मैं actually मतलब sorry कहना चाहूँगा 33 का तो answer नहीं पता लेकिन 33 question के बाद सीधा ये देखो यहाँ पे page number 17 है और direct ना 37 number आ जाता है question number 20 तो 34 35 36 ये question है ही नहीं. मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अगर जब मुझे WhatsApp करते हो CAM scan करके तो properly देख लीजिए आपके पास सब pages है या नहीं. तो जिस बंदे ने मुझे मतलब जो भी है मैडम ने सर ने जिसने भी ये पेपर भेजा है उन्होंने एक पेज ही कम भेजा हुआ है बैक टू बैक. तो पेज नंबर 17 है और 20 है, पेज नंबर 18 और 19 नहीं है जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 35 और 36 होगा. तो आपको ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. मैं तो एक्चुअली आंसर दे सकता हूँ लेकिन मेरे पास पेज ही नहीं है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 37. रामकुमार kill his daughter who married a boy from another community and had no remorse or guilt for the same, as the marriage was unacceptable which brought shame to his community. The appropriate term to explain this behavior. So answer is D, culture of honor. Question number 38. Make the correct sequence of the four stages of Piaget's cognitive development theory. Answer is B, sensorimotor stage, pre-operational stage, concentrate operational stage and formal operational. Sorry, B answer is ka. B answer. Next, moving towards the question number 39. तो 39 क्वेश्चन जो है उसका आंसर है डी 1, 2, 4 ओनली. हमें पूछा गया सेक्सुअल डिसऑर्डर कौन सा है तो सेक्सुअल डिसऑर्डर सभी हैं सिर्फ तीसरा छोड़ के इक्लेम्पशिया, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 40. A class of phenomena characterized by pattern of positive adaptation in the context of significant adversity is known as. So answer is A, positive youth development. Question number 41. If a researcher is interested in finding a relationship between the height and running a speed of participant by eliminating the influence of age, then which method would appropriate for data analysis? Answer is A, Spearman's row. Question number 42. Dash is an optional illusion of a perceiving a series of still image as moving when viewed in rapid succession. Answer is B, five phenomena. Question number 43. Which of the following indicators are associated with general aptitude test battery? So answer is C. Answer is C, 1 and 3 only. Cognitive and perceptual.
फ्रेंड्स फिर से मैं कहूंगा आपको प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जैसे ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपकी आंसर की के थ्रू मेरे हिसाब से हम पास हो रहे हैं तो हम आपको कुछ मिठाई भेजेंगे। तो मतलब मिठाई विठाई कुछ भेजने के जो है हमारा मुंह मीठा तभी हो जाएगा जब आप रेड बटन को दबा दोगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दोगे। सो प्लीज़ इतना कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, न्यूरोंग्लिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, सो आंसर इज सी, केमिकल बफरिंग। न्यूरोंग्लिया होम्योस्टेसिस करते हैं मतलब केमिकल बफरिंग। क्वेश्चन नंबर 45, विच इफेक्ट इज फाउंड ओनली विथ रिकॉल एंड नेट विथ रिकॉग्निशन टास्क, आंसर इज बी, स्टेट इंडिपेंडेंट मेमोरी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द टेस्ट इन टोरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी स्कोर्ड फॉर, सो आंसर इज बी, फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनलिटी एंड इलोबरेशन। क्वेश्चन नंबर 47, टोरेंस ग्रुप द डिफरेंट सब टेस्ट ऑफ मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इनटू कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कैटेगरी, आंसर इज सी। ओके तो 47 नंबर का आंसर डी, अभी डी कोड है 1, 2, 3 ओनली। 48 नंबर, साइकोलॉजिस्ट वो बिलीव दैट द मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन मोटिव इज स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी इज, सो इट वॉज गिवन बाय डी, अल्फर्ड एडलर। क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 फिर से मैच द कॉलम है, 49 का आंसर है बी, 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन पेपर काफी सिंपल पूछा गया था साइकोलॉजी का इस बार पिछले बार के कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर 50, द टेंडेंसी टू ओवर एम्फेसाइज डिस्पोजिशनल और पर्सनालिटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इन अदर एंड अंडर एम्फेसाइज सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड डैश, सो आंसर इज सी, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। क्वेश्चन नंबर 51, टीचर इन हर क्लास टीचेस ए फॉर एप्पल एंड ईच चाइल्ड सेज ए फॉर एप्पल, इट इज अ एग्जांपल ऑफ ए, सोशल लर्निंग। 52 नंबर क्वेश्चन जो है एजर्शन एंड रीजन वाला, तो इसका आंसर है बी, एजर्शन एंड रीजन्स आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वे टू मैनेज साइबर बिलिंग, सो आंसर इसका डी, अटैक बैक द बिलर। क्वेश्चन नंबर 54, द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट इज, सो आंसर इज ए, विहारा। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन डिड द यूएन जनरल असेंबली अनाउंस 21st जून एज द इंटरनेशनल योगा डे, सो आंसर इज बी, 11th दिसंबर 2014। क्वेश्चन नंबर 56, अभी देखो 56 नंबर से लेकर 61 तक जो है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके आंसर जो है वो साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो ही पढ़ के बता सकते हैं। तो मैंने जो साइकोलॉजिस्ट को जो पेपर दिया था तो उनके पास थोड़ा टाइम कम था तो उन्होंने ये पैराग्राफ को नहीं सॉल्व किया, लेकिन फिर भी मैंने खुद ने इसको पढ़ के कुछ आंसर्स निकाले हैं और मैं उन एक्सपर्ट्स के जैसे ही आंसर्स प्रिपेयर करता हूँ, तो आप मुझ पर भी फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने सभी आंसर नहीं निकाले तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 56 का आंसर मैंने निकाला है, उसका आंसर है द VIF measures, सो आंसर इज सी, मल्टी कोलिनरिटी। 50
7 नंबर जो है और उसका आंसर नहीं मिला है मुझे, 58 नंबर का भी नहीं मिला हुआ है, 59 नंबर का आंसर है बी, इंक्रीजिंग रिग्रेसर। 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी है, अनसुटेबल वेरिएबल इन यू कैन से रिग्रेशन ड्यू टू द कैटेगोरियल नेचर। अब ये जो 61 है, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ बी वैल्यू, एक्चुअली मुझे भी स्टैटिक्स के बारे में काफी पता है, लेकिन ये जो बी वैल्यू पूछा गया है, बी वैल्यू मैंने कहीं सुना नहीं होता है। पी वैल्यू होता तो पी वैल्यू आंसर निकाल सकते थे हम, लेकिन बी वैल्यू मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सो सॉरी। 62 नंबर आंसर इज सी, बोथ वन एंड सेकंड। 63 नंबर, टू इंक्रीज द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कुड बी एडेड इन द टेस्ट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। सो आंसर इज बी, एन आइटम विथ अ पी इज इक्वल टू 0.45। नेक्स्ट 64, ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ओपन्स डैश, आंसर इज ए, सोडियम गेट्स। क्वेश्चन नंबर 65, द जिनेन क्वाड्रप्लेट्स आर नोन बिकॉज, आंसर इज बी, ऑल डेवलप स्किजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 66, सुमित इज आस्क्ड टू रिपीट व्हाट हिज मदर जस्ट टोल हिम, ही सेज फॉरगेट, बट इन रियलिटी सुमित वॉज पेइंग अटेंशन टू हिज मदर एट ऑल। This is example of explanation for forgetting. A, interference, answer. Question number 67. The staircase method is measure of dash threshold. Answer is A, absolute. Question number 68. According to the componential theory, in addition to intrinsic task motivation, which of the following represent component are essential for generation of creative responses? Answer is B, domain skill, cognitive process and social environment. Question number 69, this is assertion and reason wala hai. So iska answer hai A, assertion and reasons are both are true and reason is a correct explanation for assertion. Question number 70, according to the self discrepancy theory, the self-regulation is regulated by self-guide, which involves comparison between actual self and idea self and out self. Answer is D. Yeh fill in the blank mein bharna hai. Question number 71. Delegative leadership style is typically characterized by, answer is A, power handed over to followers, yet leaders take personal responsibility for the group action. Question number 72. The following has not been researched as a parenting style. Answer is D, punitive. Question number 73. Chronic stress increase is associated with, answer is A, hypertension. Question number 74. Prejudice and discrimination persist because they promote dash says functionalist. Answer is A, dignity. Question number 75. Fir se match the column 1 and 2. So, iska jo answer hai, wo hai C, 4213. Friends, please subscribe to my channel and press the bell icon. अब सोचेंगे सर बार बार कहते हैं तो चलो कर देते हैं, अरे ऐसे ही कर दो यार, please subscribe to our channel and press the bell icon. Question number 76. Which of the following is our source of error variation in the test result reliability study? Answer is A, first only. Question number 77.
item characteristics curve theory is also known as? Answer is a latent trait theory. Question number 78. Choose the correct statement with respect to the sense of hearing. Answer is D. 1, 2, 3, 4. Question number 79. When a simple and symmetric forms are seen more easily, then more complicated and asymptomatic forms, this law is known as D, the law of similarity. Question number 80. Dash theory stated that high arousal lead to greater selectivity and is thus beneficial only when relatively few cues have to be monitored. Answer is C, cue utilization. Question number 81. According to the which of the following theory is a creativity seen as a precondition to intelligence? Answer is C, Sternberg's and Lubert's investment theory. Question number 82. Which of the following statement is not true about Goleman's intelligence theory? Answer is C, understanding conveyed emotions are action they generate. Question number 83. The potential of any behavior occurring in any situation as calculated in relation to any set of reinforcement is called. Answer is B, reinforcement value. Question number 84. 84 का आंसर जो है वो आई थिंक बी या डी होना चाहिए, ये और में है, या तो बी या तो डी में. क्वेश्चन नंबर 85. विच इज आर द फंक्शन ऑफ इमोशन? आंसर इज सी, 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 86. डैश इज अ स्ट्रेटेजी फॉर मेकिंग social judgment based on the extent to which current stimuli or event resemble other stimuli. Answer is B, representativeness heurisms. Question number 87. The psychological term used for the advertisement showed during movie break on hazards and risk of smoking and chewing tobacco is, it's called D, social awareness. Question number 88. Jerome Bruner gave the concept of, answer is a cognitive theory. Question number 89. The following are cluster B personality disorder. Answer is C, 2, 3, 4 only. Question number 90. Post-traumatic growth refers to? Answer is C, positive outcomes arising from traumatic experiences. Question number 91. According to the Islam, Shahada means, I think it may be the Shahadat. क्योंकि ऐसा तो शायद नाम सुना है, शहादत, शहादत तो वह सिटी का नाम. आंसर इज सी, फेथ. क्वेश्चन नंबर 92. आई डोंट नो शहादत शहादत, बट अकॉर्डिंग टू द इस्लाम रिलीजन माइट बी. मुस्लिम कास्ट के लोगों को प्रॉपर पता होगा इसके मतलब, लेकिन आंसर इसका फेथ. क्वेश्चन नंबर 92. Dash is a perspective which believes that the great deal of a human life exists as it does due to social and interpersonal influence. Answer is C, social constructionism. Question number 93. In an experimental design, randomization of subject achieves which one of the following? Answer is A, distribution of subject in all the conditions. Question number 94. What is R true about grade equivalent norms? Answer is D, 1 and 3.
Question number 95. Which of the following is the most appropriate description of psychological test? Answer is D. It is standard measure of sample behavior. Question number 96. The vagus nerve does not handle the function. Answer is A. Test. Question number 97. Mild cognitive impairment is a stage between. Answer is C. Normal aging and dementia. Question number 98. Dash is a science of life-giving substance. Answer is C. Spirituality. Question number 99. Level of significance alpha is A. Probability of type 1 error. Question number 100. Last. The outermost layer of meninges is D. Dura mater. तो ये थी साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स की आंसर की जो 100 क्वेश्चन थे. फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 और 36 है, वो भी मुझे फिर से भेज दीजिए, तो मैं वो भी आंसर आपको बता सकता हूँ. भले व्हाट्सएप से ही बता दूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे पेपर भेजा है वहाँ पर 34, 35, 36 क्वेश्चन ही नहीं है. तो जब आप आंसर क्वेश्चंस भेजते हो मुझे तो प्रॉपर देख लीजिए. ओके, सो फिर से एक बार आखिरी बार रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए. थैंक यू सो मच.